बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैंगन मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। हमने यहाँ पर बैंगन लिए हैं, उसको धोकर कट कर लिया है। पहले हम इसे फ्राई करने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम ये बैंगन डाल देते हैं और इसे ऐसे फ्राई करके ले लेते हैं। बैंगन थोड़े से ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल कर ले लेते हैं। ये बैंगन फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको ऐसे इसमें से निकाल लेते हैं। बैंगन को हमने निकाल लिया है। इसी गरम तेल में अब हम मेरी 2 तेज पत्ते, 3 काली मिरी, 2 कश्मीरी लाल मिर्च सूखी, 1/2 टेबल स्पून जीरा इसमें ऐड कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब ये 2 प्याज बारीक कट की हुई इसमें ऐड कर लेते हैं। हम इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे 2 से 3 मिनट ऐसे चलाते हुए पका लेना है। प्याज थोड़ी सी हल्की ब्राउन हो गई है। यहाँ पर हमने टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लिया है और प्यूरी बना ली है। 2 टमाटर की प्यूरी ऐड कर लेते हैं। ऐसे 1 से 2 मिनट इसे ऐसे भून लेना है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से ऐसे मिक्स करके लेना है। 1 मिनट के लिए ये मसालों को ढककर पका लेते हैं। मिनट पकाने के बाद अब हम इसे कवर को हटा लेते हैं। ये मसाला अच्छे से भुन गया है। 2 टेबल स्पून मूंगफली का पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। ये भुनी हुई मूंगफली का पाउडर है। मूंगफली का पाउडर डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं अदरक लहसुन और ये सब मसालों को अच्छे से भून कर ले लेना है। ये मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ये मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। पानी ऐड करने के बाद अब हमें इसे ढक कर पकाना है 2 मिनट के लिए। हमने यहाँ पर मसालों में बैंगन डाल दिए हैं। इसे अच्छे से भूनकर हमें इस पर हरा धनिया डालना है। थोड़ा सा पानी डालकर इसे ऐसे मिक्स करना है। इसे लो फ्लेम पर रख के ढक कर 10 मिनट पका कर ले लेना है। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, बैंगन मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो लीजिए, बैंगन मसाला बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।